गाइस, टेक्निकल बेनी हेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल को बिना कोई एप्लीकेशन या बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना किस फास्टर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, 10 टाइम फास्टर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन लिखना है। अगर आपका मोबाइल में आप एप्लीकेशन डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं तो उसे ढूंढ लीजिए प्लीज़। और अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि अगर आपका नॉगट या मार्शमेलो लॉलीपॉप से कम है, कम का वर्जन है, तो आपको अबाउट फोन में जाना है और वहाँ पर आपको बिल्ड नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पर बिल्ड नंबर दिख रहा है, उस पर 2-3-4 बार जितना 7 से 8 बार जब आप टैप करेंगे ओपन हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन। लेकिन मेरा तो बाहर से ही है, मैं यहाँ से इसे डेवलपर ऑप्शन कर ओपन कर लूँगा। डेवलपर ऑप्शन आ गया। तो डेवलपर ऑप्शन आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो आज हम यहाँ के कुछ नीचे के 3-4 एप्लीकेशन देखने वाले हैं डेवलपर ऑप्शन के। आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल और सिमुलेटर सेकेंडरी डिस्प्लेज। तो दोस्तों, इन सब का फ़ायदा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा या फिर किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी वीडियो में इसके बारे में कुछ नहीं जाना होगा। तो विंडोज़ एनिमेशन स्केल क्या है, तो इसे ओपन कर देते हैं। अभी तो ये ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप इसे ज़्यादा फास्टर कर देते हैं, तो हम इसे 10 टाइम्स फास्टर कर देते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट बीच का बटन दबा देते हैं और फिर से ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए किस तरह से कितना स्लो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर बहुत स्लो एनिमेटेड आ रहा है। यहाँ पर आप जितना भी स्पीड चाहिए इससे कस्टमाइज कर सकते हैं, 2x, जितना चाहिए उतना आप इसे x बोलिए, इंटू बोलिए, कितना भी। तो अब हम इसे ऑफ कर देते हैं दोस्तों, और आपके लिए और एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए कितना फास्ट आ रहा है। अब ऑफ है तो कितना फास्ट आ रहा है, फटैक से फटैक फटैक। तो और आप इसे 10 कर दीजिए, तो 10 कर देने के बाद देख लीजिए कितनी स्लो आ रहा है। तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से अपनी कोई भी एनिमेशन बनाने में या फिर अपने मोबाइल को कस्टमाइज कर यूज़ करने में। तो 5 पॉइंट पर रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लगेगा जब ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, या फिर थोड़ी देर के लिए 10 ही रख देते हैं। देख लीजिए, चलिए इसे ऑफ भी कर देते हैं। तो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल क्या है, तो ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन अलग है। जैसे आप इसे ऑन कर देते हैं, हम आप चाहे तो 5, 1, 1.5, 2, 5 किसी पर भी टैप कर सकते हैं। हम लास्ट वाले जो है 10 उस पर टैप कर देते हैं, तो आपको जो पहले वाला था वैसा इसका सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये यहाँ से नहीं होगा, आप जैसे ही इसे डायरेक्ट बाहर आएंगे तो आप देख सकेंगे कितना स्लो एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पर स्लो का मतलब बहुत कूल है ये दोस्तों। अब आप फिर से वहाँ पर वापस जाइए और फिर से वापस आइए, किसी भी एप्लीकेशन में आप एंटर कर लीजिए। देखिए मैं अपनी जीमेल में एंटर कर लेता हूँ, किस तरह से एंटर हो रहा है और बाहर भी आ रहा है इतनी स्लो तरीके से दोस्तों। तो आप अपने मोबाइल को बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और एक बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करने में, और एक बार मैं कर दिखाता हूँ, देख लीजिए किस तरह से कितना स्लो आ रहा है। अब बाहर भी आ जाते हैं, तो जैसा था पहला वाला सेटिंग वैसा कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ। अब देखिए कितना फास्ट ले आ रहा है, लुक हाउ मच फास्ट इज दिस, वेरी फास्ट। तो इसके बाद आएगा एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, तो इसका भी वैसा ही है दोस्तों। आप अगर ऊपर के दोनों स्टार्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से किस तरह से उसे उन दोनों को कस्टमाइज करना है, ये यहाँ पर से इस तरह का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। और जहाँ पर जो सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले दिख रहा है उस पर टैप कर देने के बाद आप डबल डिस्प्ले पा सकेंगे। जैसे कि मैं डायरेक्ट अब 720 पिक्सल से 1080 पिक्सल डुअल स्क्रीन लास्ट वाला पर टैप कर देता हूँ, तो आप देख सकेंगे किस तरह से यहाँ पर डुअल स्क्रीन आ गई है। डुअल स्क्रीन इस तरह से ये वर्क करता है, कूल है एप्लीकेशन, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप वीडियो किसी मूवी की तरह बनाना चाहते हैं तो ही इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तो हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम ये ऑफ कर देते हैं यहाँ से इस
तरह से इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और नन पे टच कर दीजिए, हो जाएगा। तो आगे के कुछ ऑप्शंस आते हैं वो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद मिल जाएंगे। हम कुछ ज़्यादा स्क्रॉल कर नीचे आ गए हैं, ढूंढना पड़ेगा अभी इन्हें यहाँ से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें मिल गए हैं डोंट कीप एक्टिविटीज बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन शो ऑल ANRS। तो डोंट कीप एक्टिविटीज़ यहाँ से आप इनेबल्स कर सकते हैं और इसे करने के बाद आपका मोबाइल जो है क्रश नहीं करेगा दोस्तों। क्रश नहीं करेगा मतलब बैकग्राउंड में जो आपके एप्लीकेशन चलती रहते हैं उसका सिस्टम ज़्यादा रन नहीं करेगा और उसका रैम ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होगा। और रैम ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इसका मतलब मेमोरी फ्री रहेगी और आपका मोबाइल क्रश नहीं होगा। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया, जो हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट क्या है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में जो चल रही है बाकी की सारे एप्लीकेशन वो अनलिमिटेड है। यानी कि अगर मैं इसमें 10 भी एप्लीकेशन खोलकर बंद कर दूँ डायरेक्ट तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी और मेरा रैम बढ़ता जाएगा और एक दिन मेरा मोबाइल क्रश हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक मोबाइल एंड्रॉयड से कस्टमाइज ऑप्शन आता है, इस पर ये इंटू है, उस पर टैप कर देने के बाद सब कुछ चला जाएगा फिर। लेकिन कुछ मोबाइल्स के साथ ऐसा होता है, कुछ बंदों के साथ वो क्या करते हैं टैप ही नहीं करते उस पर और जितना चाहे रैम अपना फुल करते रहते हैं और बाद में एक दिन क्रश हो जाता है और उसको उनको मैन्युअली उसे कस्टमाइज कर बाद में रिबूट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस यहाँ पर है, उससे आपका कोई बैकग्राउंड प्रोसेस दिखेगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप 3 और 4 प्रोसेस पर रखें, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में रन करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे। कितना भारी सिस्टम है, कितना अच्छा सिस्टम है दोस्तों। 1 या 2 आप मत कीजिए क्योंकि एंड्रॉयड एक मल्टी टास्किंग डिवाइस है दोस्तों। तो मल्टी टास्किंग डिवाइस का मतलब ये है कि एक साथ ज़्यादा काम करना। तो आप 3 से 4 प्रोसेस रख सकते हैं क्योंकि आप 4 ऐप तो एक साथ चला ही लेते हैं, ज़्यादातर नहीं चलाते। और 1-2 तो आप नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादातर आप 1-2 के से ज़्यादा चला ही लेते हैं दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप 1-2 से ज़्यादा चला लेते हैं क्योंकि आप यूथ में स्मार्ट हैं। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, आप 4 पर रखिए या 3 पर रखिए। तो अब आप मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इसे करने के बाद मोबाइल रिबूट हो जाएगा दोस्तों। देखिए लो रिबूट मोबाइल दिखाई दे रहे हैं। अभी हम रिबूट नहीं करेंगे क्योंकि रिबूट करने पर वीडियो स्टॉप हो जाएगा और वीडियो कैंसिल हो जाएगा तो हम आपको भेजेंगे क्या। तो आप इसे यहाँ से रिबूट कर अपना मेमोरी और कस्टमाइज कर सकते हैं। और आखिरी वाला लास्ट शो ऑल ANRS, इसे ऑन कर देने के बाद बैकग्राउंड जो ऐप है वो आपका डाटा ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे या फिर जो आपका रैम है उसके अंदर का जो आप रैम यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा कम यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो ऐप्स आपकी चलती है और आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा खाती है तो डाटा ये नहीं खाएगा, डाटा सेव होता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय दोस्तों।